हेलो भाई, बगी स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं अपने अखिलेश, आज मैं जावा स्क्रिप्ट को लेकर एक नया प्रोजेक्ट ऑफिस लेके आया हूँ। इसका नाम मैं दिया हूँ स्टाइलिश नोटपैड। इसमें आपको ये फीचर मिलेगा जिसे आप यहाँ पे नोटपैड देख रहे हो, अब यहाँ पे टाइपिंग भी कर सकते हो। ओके, इसके बेसिस पे अगर आपको चाहिए इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है, सो यू कैन इंक्रीज देयर फॉन्ट साइज। इसमें फॉन्ट स्टाइल है, आप फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। फॉन्ट वेट दिया हूँ मैं, यहाँ पे फॉन्ट वेट चेंज करो। फॉन्ट फैमिली भी है। ओके, यू कैन ऑल्सो चेंज द कलर ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स और नोट पैड यू कैन से। ओके, जो भी आपको कलर चाहिए उसके हिसाब कलर भी ले सकते हो। ओके, तो ये सब फीचर इसके अंदर है। तो हम लोग देखेंगे ये प्रोजेक्ट सिंपल HTML CSS JavaScript यूज किया गया है। ओके, और ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे पास और भी प्रोजेक्ट यहाँ पे अपलोड किया हुआ है, लाइक कोड एडिटर, कंसोल इन जावास्क्रिप्ट, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट है। ओके, एज ए बिगनर आप प्रैक्टिस के लिए इसको यूज कर सकते हो। ओके, सो अभी स्टाइल नोट पर हम लोग ट्राई करते हैं कैसे अचीव करेंगे। ओके, तो इसका डिजाइन हम लोग नोटिस करते हैं। डिजाइन में क्या है, फर्स्ट एक यहाँ पे टाइटल आएगा, उसके बाद यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 इतने लाइक कंट्रोल है, उसके बाद टेक्स्ट एरिया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पे अब नोट पैड पर आ जाइए, जो टेक्स्ट एरिया मैं यूज कर रहा हूँ व्यू स्टूडियो का। इसमें इंडेक्स में सिंपली मैंने 2 पेज बनाया है स्टाइल सीट FGS का। ओके, जो भी ब्लैंक है, सो इसके अंदर हम लोग सिंपली जो क्या क्या चाहिए वो ले लेते हैं। ओके, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, आपको कोड प्रॉपरली दिखेगा। ओके, तो यहाँ पे सिंपली पहले मुझे क्या चाहिए था, लाइक H1 है। ओके, यहाँ पे स्टाइलिश नोट पैड। ओके, एंड यहाँ पे आके मैं सिंपली बोलूँगा इसको मैं टॉप लाइन है मान लो, इसको एक क्लास दे देते हैं टॉप लाइन करके। तो ऐसे सिंपल मुझे आप डिजाइन करोगे बनाओगे तो आपका जो जावास्क्रिप्ट का हैंड्स ऑन है वो और पावरफुल होता जाएगा। तो विदाउट प्रैक्टिस कुछ पॉसिबल नहीं है। ओके, इसको टेक्स्ट लाइन से एंटर करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे चाहिए तो इसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कैसा आएगा। ओके, अभी यहाँ पे ये पार्ट क्लियर हुआ। ओके, सो अभी नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, अभी यहाँ पे डिजाइन देख के देखते जाओ। नेक्स्ट मुझे एक सेक्शन चाहिए जिसके अंदर कंट्रोल्स है, तो आप यहाँ पे जाओ, सिंपली क्या दोगे, एक मेन व्यू लेता हूँ मैं। ओके, जिसमें मैं दूंगा लाइक सेटिंग्स एरिया मेरा है। ओके, इसके अंदर मैं अदर व्यू लेता हूँ जिसका नाम मैं देता हूँ इसके अंदर ये आइटम्स है मेरे। ओके, इसके अंदर H1 और H2 एनीथिंग, लाइक मुझे पहले क्या चाहिए यहाँ पे फॉन्ट साइज, तो मैं इसमें दूंगा फॉन्ट साइज, और यहाँ पे दूंगा लाइक ड्रॉप डाउन में तो सिलेक्ट कंट्रोल यूज करो सिलेक्ट, पर देखो कैसा आता पहले। ओके, अब यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है तो ये ऑप्शन मुझे ऐड करने पड़ेंगे, तो काम करो यहाँ पे ऑप्शंस ऐड कर दो। ओके, ऑप्शन में सपोज में दे दिया 10 पिक्सल एंड वैल्यू आल्सो कॉल 10 पिक्सल। मैं फिलहाल 5 वैल्यू ले लेता हूँ अभी के लिए। ओके, 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, ये पार्ट क्लियर हुआ। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो ये बॉक्स आ गया। एंड सेम कंट्रोल मैं यहाँ पे जाऊँगा अभी जो अदर ऑप्शंस है। ओके, नेक्स्ट है फॉन्ट स्टाइल एंड फॉन्ट वेट, यहाँ पे क्या आएगा फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल में 2 रखा हूँ फिलहाल यहाँ पे, नॉर्मल एंड इटैलिक, नॉर्मल एंड इटैलिक। ओके, एंड दूसरा है फॉन्ट फैमिली। ओके, सिर्फ फॉन्ट वेट है तो इसमें फॉन्ट वेट ले लेते हैं। ओके, फॉन्ट वेट में यहाँ पे क्या क्या है देख लेंगे।
whatever numbering we will give, so we can use like 100. इसमें डायरेक्टली अभी यूज कर रहा हूँ 3, 4, 5. तो ये फॉन्ट वेट है, यहाँ पे फॉन्ट वेट में यहाँ पे क्या होगा कि आपके बोल्ड की साइज क्या होनी चाहिए उसके बेसिस से फॉन्ट वेट यहाँ पास करते हैं. ओके, तो फिलहाल मैं यहाँ पे हाईएस्ट 700 होता है, 700 देता हूँ मैं यहाँ पे. ओके, नेक्स्ट है फॉन्ट फैमिली. फॉन्ट फैमिली में मोनोस्केप कर्सिव एंड चीजर एंड फैंक्सॉन करके है. तो काम करते हैं इसको पहले. ये रहा मेरा फॉन्ट फैमिली. ओके, यहाँ पे मोनोस्कोप था, चिलर करके था, और क्या है कर्सिव मोनो स्पेस है. ओके, यहाँ पे कर्सिव. ओके, कर्सिव और क्या है यहाँ पे फैंक सॉन्ग, एक फैंक सॉन्ग करके. ठीक है, जो भी आपको लाइक अदर ऑप्शन ऐड करने हैं तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो. ओके, तभी मैं पहले डिजाइन कवर कर लेता हूँ, तो इससे क्या होगा आपको कोडिंग करना इजी रहेगा. ओके, लास्ट ऑप्शन है फॉन्ट कलर, तो एक और है वो ऐड कर लेते हैं. ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा फॉन्ट कलर, यहाँ पे हम लोग इसको ना यूज करके देंगे इनपुट टाइप कलर. ओके, सो अगर आप यहाँ पे जाके रिफ्रेश करोगे तो आपको ADN आ गया फिलहाल. ओके, तो यहाँ पे इसको थोड़ा प्रॉपर करते हैं, जैसा डिजाइन चाहिए हम लोग को. हम लोग जाएंगे यहाँ पे, यहाँ पे मेन डिव है, मेन डिव यहाँ पे क्या है सेटिंग्स है. ओके, सेटिंग्स कॉपी करते हैं, इसको डिस्प्ले फ्लैक्स मारते हैं. ओके, डिस्प्ले फ्लैक्स, तो यहाँ पे आप देखोगे तो सब एक लाइन में एडजस्ट हो गया. ओके, तो यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट हम लोग देंगे इसको स्पेस अराउंड. ओके, तो ये प्रॉपर एडजस्ट हो गया. और इसमें जो आइटम्स है, इसकी जो आइटम्स है, ये आइटम्स को हम लोग विड्थ 100% दे देंगे. आइटम्स, ओके, इसका जो विड्थ है ये देंगे कितना 100%. तो ये पूरा अभी 100% हो चुका है. तो अगर आप इसका बैकग्राउंड कलर देखोगे या बॉर्डर दूंगा तो मालूम पड़ेगा आपको बॉर्डर वन पिक्सल सॉलिड ब्लैक. ओके, चलो ये पार्ट तो हो गया. इसमें टेक्स्ट लाइन सेंटर करते हैं सबको. पहले जो आइटम्स है ना, आइटम को हम लोग 100% देंगे. आइटम मतलब देखो यहाँ पे इनपुट है और सेलेक्ट है, दो कंट्रोल है. ओके, इसका भी विड्थ हम लोग कितना देंगे 100%. ओके, तो पूरा फुल हो गया अभी. और एक काम करते हैं, इसको जो इसका साइज भी थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं. फॉन्ट साइज इसको देते हैं 15 पिक्सल्स. ओके, थोड़ा और बड़ा चाहिए, थोड़ा बड़ा दे दो लाइक. ठीक है, ये सही है. ओके, तो यहाँ पे इसके अंदर आइटम्स के अंदर H2 है. तो H2 का नाम, ये जो हाइट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे लाइन हाइट, वो कम करने के लिए सिंपली आप इसको क्या दे दो, डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक. ओके, तो ये क्या होगा, थोड़ा स्पेस कम होगा इन लाइन से. देखो आई थिंक ब्लॉक है इसलिए आ रहा हो. ठीक है, और ये जो आइटम्स है इसका बैकग्राउंड कलर दे दो आप. बैकग्राउंड कलर जो भी मनपसंद है, फिलहाल तो मैं दे रहा हूँ, चलो ये देते हैं फिलहाल कोरल करके. ठीक है, अब इसका बॉर्डर मैं निकाल लेता हूँ, बॉर्डर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे. ओके, ये मेरा सेटिंग्स हो गया. ओके, तो यहाँ पे जो फुल लुक एंड फील चाहिए था वो मैं लेके आ गया. ओके, स्टाइलिश नोट पैड, ये ऑप्शन, ये ऑप्शंस. अब यहाँ पे आप देखोगे नीचे टेक्स्ट एरिया है जिसमें आप टाइप करोगे. ओके, तो अभी इसको अचीव कैसे करेंगे वो ध्यान देना, क्योंकि इसमें फंक्शनलिटी मेन इंपॉर्टेंट है, डिजाइन इज नॉट. तो यहाँ पे आप जाओगे तो ये डीव आपका लाइक मेन डीव है, राइट.
हाँ मेन्यू है। तो इसके बाद ड्यू, ये मेरा यहाँ पे क्लास देते हैं इसको, क्लास लाइक एडिटर्स, इसके अंदर मैं यूज करूँगा टेक्स एरिया। ओके अब यहाँ पे देखोगे तो नीचे अपना ये वाला है टेक्स एरिया आ गया। मैं यहाँ पे कलर थोड़ा डिफरेंट इसलिए दिया मालूम पड़े कि मैं अपना ओरिजिनल ये है और इसमें मैं काम कर रहा हूँ ये। ओके तो ये टेक्स एरिया के अंदर एडिटर है टेक्स एरिया, इसको थोड़ा साइज दे देते हैं। तो इसको बोलेंगे इसका विड्थ जो रहेगा 100% एंड हाइट इज ऑल्सो लाइक 400 pixels। ओके इतना बहुत है। ओके आ गया जो चाहिए था ऊपर उनको मिल चुका है। ओके नाउ अभी हम लोग फोन साइड ही देखेंगे अगर इसका मैं कुछ नहीं टाइप कर रहे हैं, अगर यहाँ पे हम लोग चेंज कर रहे हैं ये अप्लाई होना चाहिए। ओके अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं अप्लाई हो रहा है। ओके कुछ भी अप्लाई नहीं हो रहा अभी। ओके तो हम लोग कैसे चाहिए, अगर मैं इसको चेंज करूँ तो ये सब फॉन्ट साइज इंक्रीज होना चाहिए। ओके सो इसमें क्या करना पड़ेगा अभी ध्यान से देखना, मेन पॉइंट अभी यहाँ पे है। अभी जो फर्स्ट ऑप्शन है फॉन्ट साइज, ओके फर्स्ट ऑप्शन साइज में क्या है फॉन्ट साइज, अगर मैं इसको चेंज करूँ तो इसका जो वैल्यू है 50 pixels वो इस पर अप्लाई होना चाहिए टेक्स एरिया पे। तो टेक्स एरिया को मैं फिलहाल में पहले आई डी देता हूँ, आई डी इज इक्वल टू ये मेरा लाइक एडिटर है या नोट पैड बोलते हैं इसको। ओके ये नोट पैड है। अब यहाँ पे मैं जाऊँगा एक फंक्शंस बनाऊँगा, फंक्शंस सेट स्टाइल करके, ओके सेट स्टाइल करके और यहाँ पे बोलूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी। ओके गेट एलिमेंट बाई आई डी यहाँ पे पास करूँगा आई डी का नाम डॉट स्टाइल। अब स्टाइल में जो पास करूँगा अप्लाई हो जाएगा। अगर सपोज यहाँ पे मैंने पास किया फॉन्ट साइज 50 pixels, ध्यान देना सेट स्टाइल यहाँ पे कॉल होगा। ओके लेकिन इसको कॉल करना पड़ेगा ना, फिर काम करता हूँ मैं अभी आता हूँ इस पर। जो मेरा फर्स्ट वाला ऑप्शन है फॉन्ट साइज, इसके ऑन चेंज इवेंट पे। ओके ऑन चेंज इवेंट, ऑन चेंज इवेंट क्या करेगा, जैसे इसके ऑप्शन चेंज होगा ये ऑप्शन कॉल हो जाएगा। ओके तो यहाँ पे अगर मैं कुछ लिख दूँ सपोज, तो कभी इसको चेंज करूँ कुछ भी करूँ वो फॉन्ट 50 ले रहा है। ओके क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे फॉन्ट 50 फिक्स कर दिया है, फॉन्ट 50 फिक्स, फॉन्ट साइज 50x फिक्स किया है। अभी मुझे क्या चाहिए कि अगर जो जिसको मैं चेंज कर रहा हूँ ओके वो उसकी वैल्यू आनी चाहिए। तो अब क्या करोगे ध्यान देना, इसका इसको एक आईडी दो पहले। ओके इसका आईडी दो लाइक डीडी फॉन्ट साइज, ओके ड्रॉप डाउन फॉन्ट साइज मैंने इसका आईडी दिया और इसके अंदर जाके आप बोलोगे लाइक वेरिएबल फॉन्ट साइज इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। इसके अंदर से ये जो मेरा ड्रॉप डाउन फॉन्ट साइज है इसके अंदर से मेरा वैल्यू दे। ओके वैल्यू मीन्स क्या होगा, ये जो वैल्यू आप डिफाइन किए हो यहाँ पे ये वैल्यू 10 pixels ये डिस्प्ले पर्पज़ के लिए होता है और जो वैल्यू होगा वो उसको ए फेच होगा। तो यहाँ पर 10 pixels है तो इसमें क्या आ गया 10 pixel। तो अभी मैं यहाँ पे क्या पास कर दूँगा ऐसा फॉन्ट साइज। तो इसमें क्या होगा, जो वैल्यू इसको मिलेगा फॉन्ट साइज वो यहाँ अप्लाई होके ये पूरा एक स्ट्रिंग बन जाएगा, ये स्टाइल इसको अप्लाई होगा। तो काप करो अगर चेक करोगे ओके तो इसको अप्लाई हो रहा है अभी। ओके देख पा रहे हो ठीक है। तो यहाँ पे मैं सर ये मीन्स आप सिंपल से समझ सकते हो कि इसमें क्या हुआ, सिंपली फॉन्ट साइज से आपने वैल्यू लिया ये यहाँ पे सेट किया और इसको यहाँ पे असाइन किया। ऐसे मुझे अपने सारे जितने भी कंट्रोल्स हैं वो सब पे अप्लाई करने पड़ेंगे। तो एक काम करो पहले ना ऐसे कॉल कर दो सबको, इसका नाम चेंज कर दो, ये क्या है फॉन्ट स्टाइल है। ओके ये क्या है अपना फॉन्ट वेट,
और यहाँ पे ले लेते हैं फॉन्ट फैमिली। दोस्तों आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको कोई भी कोड हार्ड नहीं लगेगा, बहुत सिंपल है। प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके, यहाँ पे ऑन चेंज पे मेरा फॉन्ट कलर है, सिंपल इसको बोल दो कलर है, ठीक है। इसको आर्डर दिया ही मैं। अब यहाँ पे क्या करोगे, सिंपल जितने भी कंट्रोल्स थे सबके वैल्यू भी वेस्ट करूँगा, जैसे मेरा फॉन्ट साइज था। ओके, फॉन्ट स्टाइल है, फॉन्ट स्टाइल है, फॉन्ट वेट है, यहाँ पे कलर है। ओके, तो जरूरत नहीं फिलहाल, पांच है ना, फॉन्ट फैमिली भी है। ओके, यहाँ पे फॉन्ट फैमिली, चलो इसको सिक्वेंस में कर देते हैं। ओके, अभी ये जो नाम है फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज में यहाँ पे जो दिख रहा है ये एक्चुअली ये रहेगा कि डीडी फॉन्ट फैमिली, डीडी फॉन्ट वेट। ओके, तो यहाँ पे प्रॉपर का फॉन्ट स्टाइल है, तो यहाँ पे क्या आएगा, डीडी फॉन्ट स्टाइल, तो उसकी वैल्यू आएगी, ये फॉन्ट वेट की है। ओके, यहाँ पे आ गया फॉन्ट फैमिली। ओके, ये अपना कलर है। अब देखो, अब ऐसा वैल्यू मिल जाएगा तो आपको इसमें यहाँ पे फॉन्ट साइज है, फिर फॉन्ट स्टाइल सब यहाँ पे अपेंड करनी पड़ेगी, तो बेस्ट ऑप्शन ऐसे आप कर लो, यहाँ पे वेरिएबल स्टाइल्स इज इक्वल टू डबल कोट में क्या दोगे, फॉन्ट साइज कोलन प्लस फॉन्ट साइज, इससे एक प्रॉपर्टी रेडी हुआ आपका। ओके, अब सिंपल क्या करोगे, ये स्टाइल्स अब यहाँ अप्लाई कर दो। ओके, नाउ इसके बाद अब देख लो पहले का वर्क कर रहा है कि नहीं। ओके, इसके अंदर ना मैं बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट पास कर देता हूँ, बार बार लिखना ना पड़े, तो काम करो बाय डिफॉल्ट लोअर ऐसे में टेक्स्ट होता है। ओके, मैंने टाइप किया कंट्रोल टाइप करके टाइप पेस करो तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं चेंज करूँ ये अप्लाई क्यों नहीं हो रहा है, लिस्ट चेक क्या प्रॉब्लम हुआ, इसको कंट्रोल इसको इंस्पेक्ट चेक करो, कोई प्रॉब्लम मालूम पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई तो वैल्यू है, कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टी ऑफ नल, कोई तो आईडी मिसमैच हुआ है, चेक करते इसको। ओके, डीडी फॉन्ट साइज, यहाँ पे क्या नाम है, डीडी फॉन्ट साइज। ओके, यहाँ पे गया, डीडी फॉन्ट साइज सही है, गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट वैल्यू। ओके, यहाँ पे फॉन्ट साइज है, फॉन्ट साइज गेट किया, यहाँ पास किया, वो प्रॉपर तो है, तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है, लाइन नंबर फोर पे आ रहा है। लाइन नंबर फोर मतलब देखो अभी कैसे मालूम पड़ेगा, अगर इसको चेंज करोगे तो यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है लाइन नंबर फोर पे आ रहा है। लाइन नंबर फोर मीन्स प्रॉब्लम इसके अंदर है। ओके, इसका स्पेलिंग क्या है देख लेते हैं, ए है डी डी फॉन्ट वेट डब्ल्यू आई जी एस टी, मैंने यहाँ पे क्या दिया है, वही स्पेलिंग रॉन्ग है यहाँ पे, ठीक है, काम कर दिए, इसको सही कर देते हैं। ओके, चेक करो अभी सब सही है, अप्लाई हुआ यहाँ पे, अभी कोई एरर नहीं है पे। तो आप यहाँ पे देखो अभी सिंपली क्या हो रहा है, ये अप्लाई हुआ यहाँ पे। ओके, तो सेम फॉन्ट स्टाइल अप्लाई करना है, तो सिंपली आप क्या करोगे, स्टाइल्स इज इक्वल टू अगेन फॉन्ट स्टाइल कोलोन प्लस फॉन्ट स्टाइल। ओके, फॉन्ट स्टाइल, सो अभी आप चेक करोगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम मिलेगा आपको। देखो होगा, सपोज आपने ये चेंज कर दिया, अगेन कुछ प्रॉब्लम हुआ, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल इज इक्वल टू दिस, हाँ देखो हो क्या रहा है बता रहा हूँ। अभी आपको यहाँ प्रॉब्लम ये मिल रहा है कि आप कुछ अप्लाई हो नहीं रहे हैं, बट ये अप्लाई होगा, ये देखो इटैलिक हुआ यहाँ पे। ओके, सीन क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने प्लस सिंबल नहीं दिया है, तो क्या हो रहा है, प्रीवियस प्रॉपर्टी रिप्लेस हो जा रही है, मतलब फॉन्ट साइज तो मिल रहा है बट यहाँ पे आके इक्वल टू सिंबल था, तो ये प्रॉपर्टी निकल गया, जस्ट खाली ये अप्लाई हुआ। तो सिंपली आप यहाँ पे अगर प्लस पास कर दोगे तो इससे क्या होगा, दोनों प्रॉपर्टी कंबाइन रहेगा, तो अभी ये चेंज करोगे तो ये भी मिलेगा आपको, ये भी मिलेगा।
रिफ्रेश नहीं किया आई थिंक। ओके तो अगर यहाँ पर चेक करोगे कुछ मिस हो रहा है, ये काम करती है, इंस्पेक्ट में चेक करो। ओके प्रॉब्लम में हो रहा है कि यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है और सेकंड प्रॉपर्टी के बीच में एक सेमी कॉलन आएगा, ये प्रॉपर्टी को डिवाइड करेगा। ओके चेक करो, यहाँ पे ये अप्लाई हुआ, यहाँ पे ये अप्लाई हुआ, टैली हुआ यहाँ पे। सो अगर अब नॉर्मल हो नॉर्मल होगा, मतलब स्वीट टैली को इस टैली होगा, फॉन्ट साइज चेंज होगा तो फॉन्ट साइज चेंज होगा। ओके तो सिंपली अभी हम लोग को ये फॉर्मेट को फॉलो करना है। ओके तो अभी यहाँ पे फॉन्ट वेट है, यहाँ पे फॉन्ट वेट पास करोगे। ओके और फॉन्ट फैमिली है, यहाँ पे क्या आएगा फॉन्ट फैमिली, और ये कलर है। ओके यहाँ पे क्या आएगा कलर, सेव करो इसको, इसको रिफ्रेश करो। ओके ये चेंज हुआ, अभी भी देख सकते हो सब प्रॉपर हो रहा है, बोल्ड हुआ, आपको ये भी चेंज हो रहा है। ओके सिंपली आप देख पा रहे हो सिंपल सब, सो सिंपल प्रोजेक्ट है। यहाँ पे तो मैं बाद में भी टाइप करूँगा बग स्टॉप ईयर, तो भी ये प्रॉपर्टीज के ऊपर अप्लाई है, ये रिमूव नहीं होगा। ओके यहाँ पे आप सिंपली तो आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे भी ऑन टाइपिंग बाद भी चेंज करूँगा तो भी वो सिंपली ऐसा वो रिएक्ट कर रहा है। ओके तो यहाँ पे अगर फॉन्ट साइज बढ़ा के मैं देखूँ दोस्तों, तो सिंपली बहुत सिंपल प्रोजेक्ट है, अगर आप इसको प्रॉपरली देखो तो इतना हार्ड नहीं लगेगा। ओके तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं इस पर आते रहेंगे। ओके इसमें अगर ये मैं इसका मेन डिजाइन बनाने का मेन पर्पज है, इसके पहले मैंने इसमें CSS में मैंने फॉन्ट्स का चैप्टर कंप्लीट किए थे। ओके तो इसके लिए मैंने फिर यहाँ पे इसके रिगार्डिंग मैंने प्रोजेक्ट बनाया। अगर आप यहाँ पे CSS में देखोगे तो CSS में लास्ट मैंने यहाँ पे टेक्स्ट फॉन्ट विड्थ हाइट ये सब में सब कवर किया, तो मुझे लगा नहीं इसके ऊपर एक अच्छे से प्रोजेक्ट बनाना चाहिए जो साथ में कवर हो जाए, जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट भी आ गया, HTML भी आ गया, CSS का पार्ट भी कवर हो गया, उसका आप लोग डायनेमिक कैसे कवर कर सकते हो ये सब इसके अंदर आ गया। ओके दोस्तों आप कोड को प्रैक्टिस करो, कोड बहुत सिंपल है। ओके इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं, मेन जो कोड है आपका इस फंक्शन के अंदर है। आपको कोई भी डाउट्स होता है आप कमेंट सेक्शन में इजीली पूछो, कोई हेजिटेशन मत दिखाओ। ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।